हेलो क्लास इलेवेंथ वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे हैं चैप्टर वन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का ये है लेक्चर थ्री राइट लास्ट टाइम हमने क्या स्टार्ट कर दिया था अनसर्टेनिटी राइट और अनसर्टेनिटी के अंदर हमने क्या पढ़ा था यस हमने पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन क्या पढ़ा था हमने उसके अंदर साइंटिफिक नोटेशन और हमने ये देखा था कि साइंटिफिक नोटेशन इंपॉर्टेंट क्यों है ठीक है साइंटिफिक नोटेशन इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि ये बहुत लार्ज वैल्यू और बहुत स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट करना सिखाता है हमको जैसे कि क्या देखा था हमारे पास कोई नंबर है सिक्स टू थ्री फोर जीरो 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 कितने बार भी यहां पे जीरो लगा दो अब अगर हमें इसको बार बार रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एक न्यूमेरिकल में बार बार लिखना पड़ेगा तो इसी टर्म को बार बार लिखना जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम तो हमने क्या सीखा उसके लिए हमने सीखा साइंटिफिक नोटेशन अब इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं क्या था एन इन टू टेन रेस टू दावर एन क्या था रिप्रेजेंटेशन एन एन तो टू टेन रेज टू दी पावर एन तो यहाँ पे हमने ये देखा अगर डेसिमल यहाँ पे है सो वी जस्ट शिफ्ट द द डेसिमल तो लेफ्ट हैंड साइड जब डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड हम शिफ्ट करते हैं तो पावर पॉजिटिव होती है एंड वेन वी शिफ्ट डेसिमल टू द राइट हैंड साइड तो पावर कैसी हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी सो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा सिक्स पॉइंट टू थ्री फोर इंटू टेन रेस टू पावर फिफ्टीन लार्जेस्ट वैल्यू देखो कितनी लार्ज वैल्यू है तो इस लार्ज वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है बस ये लिख दो सिक्स पॉइंट टू थ्री फोर इंटू टेन रेज टू दावर फिफ्टीन इसी तरीके से हम स्मॉल वैल्यू को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि यहां पे दिया जाता है टू जीरो पॉइंट जीरो 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 ठीक है 6, 6, 2, 6. इस तरीके से है तो डेसिमल कहाँ है यहाँ पे है डेसिमल जब हम डेसिमल को कहां पे shift करेंगे कहावन एट नाइन टेन इलेवन कितने टाइम्स हमने शिफ्ट किया इलेवन टाइम्स हमने शिफ्ट किया सो इट विल बिकम सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इन टेन रेस टू दी पावर माइनस इलेवन जितने बार हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे उतना ही उसमें क्या आ जाएगा पावर आ जाएगा क्लियर है तो ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था अब इसको हमें क्या करना है इसका यूज हम मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसे करेंगे वो देखना है हमको क्लियर बात करते हैं हम मल्टीप्लीकेशन की ठीक है बात करेंगे हम सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन की सपोज हमें क्या दिया हुआ है टू पॉइंट थ्री इंटू टेन रेज टू दावर फाइव ठीक है टू पॉइंट थ्री इंटू टेन रेज टू दावर फाइव मल्टीप्लाई टू पॉइंट जीरो इंटू टेन रेज टू दावर सेवन ये हमारे पास क्वेश्चन है अब क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है पावर्स जो होती हैं, वो ऐड हो जाती हैं। मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी ये हो जाएगा 2.3 पॉइंट टू ठीक है इंटू टेन रेज टू दावर फाइव प्लस सेवन सो टू थ्री जा सिक्स एंड टू टू जा फोर फोर पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू दावर कितना हो जाएगा ट्वेल्व ठीक है फोर पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेल्व तो इस तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन में इसका यूज करेंगे क्लियर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम अब फाइव पॉइंट थ्री फाइव इंटू टेन रेज टू दावर माइनस टू फाइव पॉइंट थ्री फाइव इंटू टेन रेस टू दावर माइनस टू मल्टीप्लाई फोर पॉइंट जीरो इन टू टेन रेस टू दावर माइनस एट ये है ठीक है ये वैल्यू है अब क्या करेंगे नॉर्मली फाइव पॉइंट थ्री फाइव इंटू फोर कर देंगे मल्टीप्लाइड टेन माइनस का टू और यहां पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस का एट प्लस माइनस यहां पे क्या हो जाता है माइनस हो जाएगा राइट अब देखो फोर फाइव ज ट्वेंटी थ्री फोर जो ट्वेल्व एके थर्टीन एंड फोर फाइव जग अगेन ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी वन पॉइंट थ्री जीरो एन टू टेन रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा माइनस का टू एंड माइनस का एट सो इट विल बिकम माइनस का टेन ये इसका आंसर है क्लियर है ये इसका आंसर है इस तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन में इसको यूज करेंगे क्लियर आया समझ में ये क्या है इसका आंसर है अब क्वेश्चन ये आ रहा है हमारे दिमाग में कि हमने साइंटिफिक नोटेशन में n इन टू टेन रेस टू दी पावर n पढ़ा था और लास्ट क्लास में बताया था कि जो ये n है दिस n इज सिंगल डिजिट ठीक है ये क्या है ये n क्या है ये n तो सिंगल डिजिट है तो चलो ठीक है यहां तो ये n सिंगल दिख रहा है बट क्या यहां पे सिंगल डिजिट है नहीं है हमने इसको सॉल्व तो कर दिया बट इस फॉर्म में लेकर कब आएंगे एन इन टेन रेस टू द पावर एन की फॉर्म में हम कब लेकर आएंगे अभी तो लेकर आना है देखो इस डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे कहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कहाँ पे शिफ्ट किया हमने डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया सो इट विल बिकम टू पॉइंट थ्री टू टेन रेज टू तो पहले से था जब हम डेसिमल को कहाँ पे शिफ्ट करते हैं लेफ्ट एंड साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस वन ऐड हो जाएगा तो फाइनली ये बनेगा टू पॉइंट टू पॉइंट वन थ्री जीरो ठीक है तो ये बन जाएगा टू पॉइंट वन थ्री जीरो इंटू टेन रेज टू दावर माइनस नाइन ठीक है टू पॉइंट वन थ्री जीरो इंटू टेन रेज टू दावर माइनस नाइन ये था मल्टीप्लीकेशन नाउ अब हम बात करेंगे डिवीजन की ठीक है डिवीज़न में क्या होता है जिस तरीके से मल्टीप्लीकेशन में जिस तरीके से मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है डिवीज़न में क्या हो जाएगा पावर माइनस हो जाता है ठीक है सब्ट्रैक्ट हो जाता है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहां पे दिया गया है 45.5 फाइव पॉइंट फाइव इंटू टेन रेज टू दावर माइनस टू ठीक है फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव इंटू टेन रेज टू दावर माइनस टू डिवाइडेड बाई फाइव पॉइंट जीरो इंटू टेन रेज टू दावर माइनस सेवन ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव इंटू टेन रेज टू दावर माइनस टू डिडेड सेवन अब कैसे करेंगे 45.5 पावर माइनस टू ये इस फॉर्म में है ठीक है ये तो इस फॉर्म में फाइव से ही कट जाएगा नाइन पॉइंट वन आ जाएगा यहाँ पे ठीक है और नाइन पॉइंट वन इंटू टेन रेज टू दावर माइनस टू क्या होता है माइनस होता है तो माइनस और माइनस का सेवन आया समझ में ये ऊपर जाएगा ठीक है तो क्या हो जाएगा यहां पे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ठीक है पावर क्या होंगी यहां पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी ऑलरेडी माइनस का है तो यहां पे हमें क्या दिखेगा 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन रेस टू दावर माइनस टू और प्लस का सेवन कितना हो जाएगा 9.1 पॉइंट वन टेन रेस टू दावर फाइव ये इसका आंसर है ठीक है ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ओके okay, क्लियर है राइट right? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे डिवीजन वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे ओके okay, एक और क्वेश्चन कर ले हम इसी पे 20.24 पॉइंट टू फोर इन टू टेन रेस टू द पावर फाइव ट्वेंटी पॉइंट टू फोर इंटू टेन रेज टू पावर फाइव डिवाइडेड बाय फोर पॉइंट जीरो इंटू टेन रेज टू दावर एट लेते हैं ठीक है टेन रेज टू पावर कितना कर लिया हमने एट कर लिया अब ट्वेंटी पॉइंट टू फोर इंटू टेन रेज टू फाइव डिवाइडेड बाय फोर पॉइंट जीरो इंटू टेन रेज टू दावर एट कितने टाइम्स में चला जाएगा ये बताइए फाइव पॉइंट सिक्स है ना इतना ही होगा फाइव पॉइंट जीरो सिक्स ठीक है फाइव पॉइंट जीरो सिक्स और यहां पे आ जाएगा फाइव पॉइंट जीरो सिक्स इंटू टेन रेज टू दावर फाइव माइनस एट तो फाइव पॉइंट जीरो सिक्स इंटू टेन रेज टू दावर माइनस थ्री आंसर आ जाएगा तो इस तरीके से हम यहां पे इसको सॉल्व करेंगे क्लियर ये था मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन इसके बाद हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की और एडिशन की तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में किस तरीके से होता है यहां पे हाँ ठीक है n इन 10 टेन रेस टू दावर n है यहां पे अगर हम एडिशन की बात करें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ना पावर जो है वो सेम होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन डिविजन में तो या तो पावर एड हो जाएगी या तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ठीक है लेकिन एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में एड करने के लिए या फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए पावर का सेम होना इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दे दिया गया है 16.62 पॉइंट सिक्स टू इंटू टेन रेज टू दावर फोर ठीक है प्लस 5.02 पॉइंट जीरो टू इंटू टेन रेस टू दावर थ्री ये दे दिया गया हमको अब हमसे बोला कि इनको ऐड करो तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पावर को बाहर निकाल दिया और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो पावर ऐड नहीं हो पाएगी पावर हमें क्या करना पड़ेगा इसमें सिमिलर करना पड़ेगा या तो आप इसको फोर कर दो या तो आप इसको थ्री कर दो ठीक है अब देखो अगर इस डेसिमल को हम कहां पे लेके जाते हैं राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे सोचो जरा अगर इस डेसिमल को हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ पे माइनस का वन होके हम इसको थ्री बना सकते हैं तो दोनों थ्री थ्री हो जाएगा दूसरा हम क्या कर सकते हैं दूसरा हम क्या कर सकते हैं इस डेसिमल को हम इधर लेके अगर चला चले जाए ठीक है अगर इस डेसिमल को हम शिफ्ट कर दे तो इसको हम क्या कर सकते हैं यस yes, बताइए इधर नहीं इधर की साइड कर देंगे तो फोर कर सकते हैं देखो सिक्सटीन पॉइंट सिक्स टू इंटू टेन रेस टू पावर फोर प्लस जीरो पॉइंट फाइव जीरो टू इंटू टेन रेस्ट टू पावर फोर जब भी हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे पावर वन ऐड हो जाती है तो हमने क्या किया इस डेसिमल को हम इधर लेके चले गए तो पावर कैसी हो जाएगी एड हो जाएगी अब देखो अब दोनों में पावर कैसे है अब दोनों में पावर कैसा है कॉमन है सिमिलर है क्या करेंगे पावर बाहर ले लेंगे अंदर बच जाएगा 16.62 और यहाँ पे क्या बचेगा 0.502 ऐड <coughs> कर दें 22171 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 17.122 10 रेस टू द पावर 4 क्लियर कितना हो जाएगा 17.122 इन टू टेन रेस टू दावर फोर ये है एडिशन का एक और क्वेश्चन करें हम यस yes, एडिशन में ही एक और क्वेश्चन करेंगे इसमें कुछ चेंज की जरूरत है क्या हमको क्या इसमें कुछ चेंज की जरूरत है हम इस डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड अगर शिफ्ट करते हैं ठीक है हम इस डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं ऑर्गेनिक नहीं है बबली शाह ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है ठीक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री इलेवेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे देखो हमने क्या किया डेसिमल को हमने कहाँ पे शिफ्ट किया है कहाँ पे शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड जब भी हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है वो बन जाएगा वन पॉइंट सेवन वन टू टू इन टू टेन रेज टू दावर फाइव ठीक है तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया है किसमें कन्वर्ट कर दिया साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट कर दिया क्लियर एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल ओके नाउ यहां पे हम ले लेते हैं ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेस टू दावर माइनस टू प्लस टू पॉइंट थ्री फाइव इंटू टेन रेस टू दावर माइनस फोर ठीक एक हमने लिया है ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेस टू दावर माइनस टू और एक हमने लिया है टू पॉइंट थ्री फाइव इंटू टेन रेस टू दी पावर माइनस फोर अब क्या करेंगे सबसे पहला काम क्या है हमारा यहां पे? सबसे पहला काम फर्स्ट काम है कि इनके पावर को हमें सिमिलर करना पड़ेगा तो कैसे सिमिलर करेंगे देखो जरा अगर हम डेसिमल को ठीक है डेसिमल को इधर से राइट हैंड साइड शिफ्ट कराते हैं तो यहां पे माइनस का टू हो जाएगा अगर दो बार शिफ्ट कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का फोर बन सकता है ठीक है अगर इसको माइनस का टू बनाने की कोशिश की जाए तो टू पॉइंट यहां पर देखो ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू फाइव अगर इसको हमने एज इट इज रखा प्लस इसको शिफ्ट करेंगे वन टाइम्स ठीक है और फिर एक और टाइम शिफ्ट कर देंगे तो ये जगह जीरो पॉइंट जीरो टू थ्री फाइव इंटू टेन रेज टू दावर माइनस टू ये बन सकता है अब जरूरी नहीं है कि बार बार हम सेकेंड वाले टर्म में ही चेंज लेकर आए हम पावर को माइनस टू ना करके माइनस फोर भी कर सकते थे बट अल्टीमेटली लास्ट में हमको क्या करना पड़ेगा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो एक सिंगल डिजिट चाहिए होगा ठीक है अब इसको क्या करेंगे हम ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 25.25 ट्वेंटी फाइव है टू फाइव यहां पर है जीरो पॉइंट जीरो ट्वेंटी फाइव पॉइंट ये बन जाएगा हमारा ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू सेवन थ्री फाइव इंटू टेन रेज टू माइनस टू फिर से हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे कहां पे लेफ्ट हैंड साइड तो ये बन जाएगा हमारा टू पॉइंट फाइव टू सेवन थ्री फाइव इन टेन रेज टू दावर माइनस इलेवन माइनस वन ठीक है क्या बन जाएगा माइनस वन बन जाएगा तो इस तरीके से हम यहां पे क्या करेंगे एडिशन करेंगे ओके okay? क्लियर है अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की एडिशन के बाद हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की क्लियर Now, देखो जिस तरीके से मल्टीप्लीकेशन डिवीज़न एक जैसा था प्लस माइनस था उसी तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन है राइट right? और एडिशन में जिस तरीके से हमने पावर सेम किया था और फिर ऐड कर दिया था सब्ट्रैक्शन में भी उसी तरीके से है पहले पावर सिमिलर करेंगे एंड देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे ओके नाउ पुट हेडिंग हम्म So, यहाँ पे हमने ले लिया 43.52 थ्री पॉइंट फाइव टू इंटू टेन रेस टू दावर माइनस फाइव माइनस ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू थ्री इंटू टेन रेस टू दावर माइनस सेवन ये है हमारे पास पावर सेम करे सबसे पहले माइनस फाइव है एंड माइनस सेवन है क्या करें माइनस फाइव करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा दो डेसिमल हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये जाके क्या बन जाएगा माइनस फाइव बन जाएगा कर दो फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव टू और यहाँ पे माइनस जीरो पॉइंट टू थ्री टू थ्री इंटू टेन रेस टू दावर माइनस फाइव बन जाएगा ये ठीक है इंटू टेन रेस टू दी पावर माइनस फाइव बन जाएगा अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 43.52 थ्री कितना आएगा यहां पे सेवन आ जाएगा फिर से यहाँ पे सेवन आ जाएगा यहाँ पे कितना बच जाएगा इलेवन बचेगा कितना एट और यहाँ पे फोर है तो टू फोर्टी थ्री कितना आ गया फोर्टी थ्री पॉइंट टू एट सेवन क्लियर तो यहां पे हम फाइनल आंसर लिख दें 43.2877 थ्री टू इंटू टेन रेज टू दी पावर माइनस फाइव और शिफ्ट करके हम लिख सकते हैं 4.32877 पॉइंट थ्री टू एट सेवन सेवन इंटू टेन टू माइनस फोर क्यों क्योंकि डेसिमल कहां पे शिफ्ट हुआ है डेसिमल शिफ्ट हुआ है लेफ्ट हैंड साइड तो इसीलिए पावर एड हो जाएगी यहां पे क्लियर एक और क्वेश्चन करें इसी पे ओके टू थ्री टू पॉइंट थ्री वन इंटू टेन रेज टू दावर फाइव माइनस थ्री पॉइंट वन इंटू टेन रेज टू दावर कितना कर दे इसको हम इसको हम कर देते हैं एट यह है हमारे पास ठीक है टू पॉइंट थ्री वन इंटू टेन रेज टू दावर फाइव माइनस थ्री पॉइंट एट कैसे करेंगे फिर से पावर सबकी सेम कर दे हम क्या करेंगे या तो दोनों को एट बना दे या तो दोनों को हम फाइव बना देते हैं तो देखो क्या हो जाएगा ये अगर डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे तो एडिशन होगा और अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो यहां पे सब्ट्रैक्शन होगा वेट टू पॉइंट थ्री वन इंटू टेन रेज टू दी पावर फाइव एज इट इज रहने दिया हमने माइनस इसको हम क्या करते हैं शिफ्ट कर देते हैं 3, 1, एक से शिफ्ट किया एक और जीरो लगा दिया पॉइंट जीरो इंटू टेन रेज टू दावर कितना बन जाएगा फाइव बन जाएगा आप चाहो तो दोनों को फाइव बना सकते हो या फिर दोनों को एट भी बना सकते हैं क्लियर हमने क्या किया यहां पे डेसिमल को किधर साइड शिफ्ट किया हमने डेसिमल को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया और जब भी हम डेसिमल को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो जो पावर होती है वो क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है ये बात याद रखिएगा ठीक है तब से कितनी बार रिपीट हो चुकी है ये बात ओके okay? हां तो हमने शिफ्ट कर दिया दो पॉइंट से हमने शिफ्ट किया है दो नहीं हमें तीन से करना पड़ेगा ना हमें यहां पे तीन से शिफ्ट करना पड़ेगा जीरो पॉइंट जीरो ठीक है वन यहां पे पॉइंट था तो वन टू थ्री यस इन टू टेन रेज टू दावर फाइव अब देखो क्या बन जाएगा टू पॉइंट थ्री वन और यहां पे है थ्री वन डबल जीरो पॉइंट जीरो तो थ्री वन टू जीरो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3.102.31 10 थ्री टू दी पावर 5 अब अगर हमने यही इसको 8 में बनाया होता तो भी आंसर सेम आता 5 में हमने किया है तो भी आंसर सेम है फिर से डेसिमल को थ्री पॉइंट वन तो टू थ्री इंटू टेन रेज टू पावर 8 ये हमारा फाइनल आंसर है इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम दोनों में से किसी की भी पावर को सिमिलर कर सकते हैं फाइनल आंसर जो है हमारा वो सेम ही आएगा ओके फाइनल आंसर जो है हमारा वो सेम ही आएगा सब की जगह हमने क्या कर दिया एडिशन कर दिया यहाँ पे थ्री वन जीरो जीरो पॉइंट जीरो और यहाँ पे है टू पॉइंट थ्री वन यस तो यहाँ पे आ जाएगा नाइन यहाँ पे सेवन है सेवन यहाँ पे सेवन नाइन जीरो टू ये होगा टू जीरो नाइन सेवन सिक्स सेवन ठीक है सो पॉइंट कहां पे है यहां पे है हमारा सिक्स नाइन के बाद इन टू टेन रेज टू दावर फाइव माइनस का आ जाएगा वन टू थ्री माइनस टू पॉइंट जीरो नाइन सेवन सिक्स सेवन इंटू टेन रेस टू पावर फाइव ठीक है सब करना था हमको यहां पे क्लियर तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से लेकर आना है हमने ये देखा क्लियर है एन इंटू टेन रेस टू पावर एन का ध्यान रखना है अब इसके बाद हम करने वाले हैं हम जानेंगे एक्यूरेसी और प्रिस में क्या डिफरेंस है ठीक है क्या जानेंगे हम एक्यूरेसी एंड प्रिस में क्या डिफरेंस है तो इसको नोट no डाउन करो फिर एक्यूरेसी एंड प्रिस हेडिंग डालना एक्यूरेसी एंड सी एंड प्रिसजन क्या होता है एक्यूरेसी एंड प्रिसन इन दोनों में डिफरेंस क्या है लेट सपोज कि हम ना एक वैल्यू ना मान के चलते कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ है एंड वी हैव वन वैल्यू वो हमने वन वैल्यू कितनी ले ली है फोर ग्राम ले ली है ठीक है जो भी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया उसकी वैल्यू कितनी है फोर ग्राम आंसर आ रहा है उसका यहाँ पे एक टीम वन है टीम सेकंड एंड टीम थर्ड तीन टीम हमने बनाई इन सबके ना अलग अलग ऑब्जर्वेशन आए हैं ठीक है ऑब्जर्वेशन वन ऑब्जर्वेशन सेकंड ऑब्जर्वेशन थर्ड एंड ऑब्जर्वेशन फोर्थ चार ऑब्जर्वेशन किए क्लियर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या आंसर आया है यहां पे थ्री पॉइंट नाइन ठीक है फोर पॉइंट वन और थ्री पॉइंट यहां पे हो जाएगा एट नाइन ठीक है एंड फोर पॉइंट जीरो वन ये कुछ आंसर आए हैं राइट सेकेंड में क्या है थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट सिक्स थ्री पॉइंट यहां पे हो जाएगा सेवन और यहाँ पे थ्री पॉइंट फाइव ये दूसरी वैल्यू है मतलब दूसरी टीम का जो ऑब्जर्वेशन है वो कुछ इस तरीके से आया है नाउ अब थर्ड क्या करेंगे हम थर्ड थर्ड जो टीम थी उनका क्या ऑब्जर्वेशन रहा है उनका ऑब्जर्वेशन यहां पे है कुछ इस तरीके से 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4, ठीक अब इन ऑब्जर्वेशन से हमें कैसे पता चलेगा कि किस टीम का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है किसका प्रिसाइज है कैसे पता चलेगा तो सबसे पहले हम जानेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है एक्यूरेसी बेसिकली हम बात करते हैं कि ऐसी वैल्यू जो हमारी ट्रू वैल्यू के एकदम पास में हो क्या कहा एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है ऐसी वैल्यू जो ट्रू वैल्यू के बिल्कुल पास में हो उसको हम एक्यूरेसी वैल्यू बोलेंगे और प्रसाइज का क्या मतलब है जो आपस में इक्वल हो बट ट्रू वैल्यू से वो थोड़ा दूर हो जैसे कि हम इसकी बात करें देखो इसकी बात करते हैं अगर हम

क्लोजनेस टू दी ट्रू वैल्यू एक्यूरेसी क्या है क्लोजनेस टू दी ट्रू वैल्यू एक्यूरेसी क्लोजनेस टू दी ट्रू वैल्यू ठीक है जो बिल्कुल ट्रू वैल्यू के पास की वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। तो फिर प्रिसीजन में हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे प्रिसीजन क्या होता है क्लोजनेस टू दी मल्टीपल ऑब्जर्वेशन ठीक है क्लोजनेस टू दी क्लोजनेस टू दी मल्टीपल ऑब्जर्वेशन वैल्यू विथ ईच अदर ठीक है आपस में ही इनकी जो वैल्यू है वो क्लोज रहेगी बट ट्रू वैल्यू से लेना देना नहीं है क्लियर फर्स्ट वाले की बात करें अगर हम तो फर्स्ट वाला देखो 3.9 4.1 3.89 एंड 4.01 ये आपस में बराबर भी है और ट्रू वैल्यू से इनका लेना देना भी है तो ये क्या हो जाएंगे एक्यूरेसी एंड प्रिस दोनों शो करेंगे ठीक है प्रीसीजन भी है और यहां पे एक्यूरेसी भी है 3.5, 3.6, 3.7 एंड थ्री पॉइंट फाइव है पर ये एक्यूरेट नहीं है एंड इसके बाद वाला भी क्या है precise है ठीक है समझ में आया तो इस तरीके से हम एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को फाइंड आउट करेंगे ओके नाउ यहां पे हमने क्या देखा था अनसर्टिनिटी में सिग्निफिकेंट फिगर की बात अब हम करेंगे किसकी बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के बाद हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की ओके okay? चलिए इसको नोट डाउन करिए फिर नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट

एग्जैक्ट उतना ही लिया है जितना हमसे कहा गया था बट जब हम उस मेजरिंग सिलेंडर से ब्रोमीन को ट्रांसफर करेंगे किसी beaker में, किसी बीकर में में फ्लास्क तो कुछ ना कुछ ना पार्टिकल्स ब्रोमीन के लगे रह जाएंगे उस मेजरिंग सिलेंडर में अब क्या होगा कुछ पार्टिकल्स अगर मेजरिंग सिलेंडर में लगे रह गए तो क्या हमें एक्यूरेट वैल्यू मिल पाएगी हमने फोर जो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था क्या अब जो हमारे पास बीकर में या फिर कॉनिकल फ्लास्क में ब्रोमीन है क्या वो 5.2 पॉइंट रहेगा तो आंसर है नहीं वहां पे कुछ ना कुछ एरर होगा ठीक है वही एरर बताने के लिए क्या बताते हैं नहीं है से जो फाइव है वो क्या है सर्टेन है लेकिन 2 जो है वो कैसा है 2 जो है वो कैसा है अनसर्टेन है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे प्लस माइनस जीरो यानी पॉइंट वन से आगे पीछे हो सकता है ये एरर हो सकता है ये अनसर्टेन वैल्यू है फिक्स वैल्यू नहीं है मे बी पॉइंट फाइव से पॉइंट जीरो पॉइंट वन से ज्यादा हो सकता है मे बी पॉइंट वन से कम हो सकता है क्लियर तो ये हमें किसके बारे में बताता है अनसर्टेनिटी के बारे में बताता है क्लियर है सो सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर बोथ सर्टेन एंड अनसर्टेन विल बी कंसिडर इसके अंदर हम दोनों सर्टेन और अनसर्टेन को कंसिडर करते हैं ठीक है सो इन सिग्निफिकेंट फिगर इन सिग्निफिकेंट फिगर बोथ सर्टेन एंड इन सिग्निफिकेंट फिगर बोथ सर्टेन एंड अनसर्टेन वैल्यू कंसीडर ठीक है वैल्यू कंसीडर्ड, क्लियर ठीक है इतना अब ये तो हमने देख लिया अब इन साइंटिफिक फिगर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसके लिए हमें ना कुछ रूल्स पता होने चाहिए क्या पता होने चाहिए कुछ रूल्स पता होने चाहिए अब हम जानेंगे रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द साइंटिफिक और ये सिग्निफिकेंट फिगर ठीक है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग दी सिग्निफिकेंट फिगर डाली हेडिंग रूल्स फॉर रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग दी ठीक है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग दी सिग्निफिकेंट फिगर क्या क्या रूल्स हैं कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सिग्निफिकेंट के अंडर हम उसको कंसीडर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सो फर्स्ट रूल बिल्कुल ध्यान से देखिएगा फर्स्ट रूल क्या है all the non-zero digit considered as a significant. ठीके? all the non-zero digit considered as a significant figure. t.k. and 0 and 0 digit present between the non-zero digit is also considered as a significant figure. k.k. all the non-zero digit Consider as a all the non zero digit consider as a significant figure and if zero if zero present between the जीरो डिजिट इफ जीरो प्रेजेंट बिट्वीन दी नॉन जीरो डिजिट देन इट ऑल्सो कंसिडर्ड एज देन इट ऑल्सो कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आया फर्स्ट रूल क्या है कहा जा रहा है नॉन जीरो डिजिट तो नॉन जीरो डिजिट क्या होता है फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये सारे के सारे क्या है नॉन जीरो डिजिट है सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर किए जाएंगे बट अगर जीरो प्रेजेंट है किसके नॉन जीरो डिजिट के बीच में तो उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे और अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में नहीं आगे या फिर पीछे तो उसके लिए दूसरा रूल हम पढ़ेंगे क्लियर फॉर एग्जाम्पल पहला यहां पर फाइव फोर थ्री टू तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है टोटल फोर सिग्निफिकेंट फिगर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है फोर सिग्निफिकेंट फिगर सेकेंड टू जीरो जीरो टू फाइव तो यहां पे देखो तो जो दो जीरो है किसके बीच में है वो दो जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है ठीक है किसके बीच में है वो दो जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है सो इट विल कंसिडर एज सिग्निफिकेंट फिगर राइट सो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे यहां पे वन टू थ्री फोर फाइव कितने सिग्निफिकेंट फिगर है फाइव सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर आया समझ में अगर यहां पे सिक्सटी यहां पे रुपीस 60.01 दिया हुआ है अभी भी नॉन जीरो डिजिट के बीच में है जीरो डिजिट सो इट विल एज अ सिग्निफिकेंट फिगर सो फोर सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा ठीक है कितने हो जाएंगे फोर सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा राइट right? वहीं अगर रुपीज सिक्सटी लिख दिया तो अब बताओ इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा रुपीज सिक्सटी का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा आंसर क्या बोलेंगे टू क्या बोलेंगे आंसर टू तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा गलत टू बोलते ही हमारा आंसर गलत हो जाएगा हमने ये थोड़ी पढ़ा है कि अगर नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट या फिर राइट साइड में होता है तो उसको कंसिडर किया जाता है अभी तक हमने ये रूल नहीं पढ़ा ठीक है तो अभी हम इसको मानेंगे भी नहीं इसके बाद यही वाला रूल पढ़ने वाले ठीक है वैसे इसका कितना हो जाएगा वन हो जाएगा कितना हो जाएगा इसका वन हो जाएगा करिए फर्स्ट रूल को फटाफट से नोट डाउन करिए क्लियर समझ में आया फर्स्ट रूल क्या है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर को राइट इट डाउन फास्ट क्लियर है ओके सेकंड सेकंड रूल क्या है सेकंड रूल है व्हेन जीरो प्रेजेंट ठीक है वेन जीरो प्रेजेंट लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट क्या कहा वेन जीरो प्रेजेंट लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट इट विल नॉट कंसिडर एज सिग्निफिकेंट फिगर अगर जीरो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है किसके नॉन जीरो डिजिट के तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता है एज अ सिग्निफिकेंट फिगर ठीक है अगर वहां पर डेसिमल भी है ठीक है अगर वहां पे डेसिमल भी है तो भी उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करेंगे आ गया समझ में क्या कहा इफ सेकेंड है इफ जीरो इज प्रेजेंट इफ जीरो इज प्रेजेंट ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ दी सिग्निफिकेंट फिगर then then it will not consider as a significant figure. Theke? If 0 is present on the left side of the significant figure, then it will not consider as a significant figure. ठीक है और इफ जीरो इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दी नॉन जीरो डिजिट लिखते हैं ना यहां पे लेफ्ट साइड ऑफ दी नॉन जीरो डिजिट ठीक है इफ जीरो इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट देन इट विल नॉट कंसीडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर ठीक है सिग्निफिकेंट फिगर की तरह कंसीडर नहीं किया जाएगा इफ डेसिमल इज प्रेजेंट इट विल बी अगर डेसिमल भी प्रेजेंट है इफ डेसिमल इज ऑल्सो प्रेजेंट देन ऑल्सो इट विल नॉट कंसिडर एज अ सिग्निफिकेंट फिगर इफ इफ डेसिमल इज प्रेजेंट देन ऑल्सो देन ऑल्सो इट विल नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर अगर डेसिमल भी प्रेजेंट है देन ऑल्सो इट विल नॉट कंसिडर एज अ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर एग्जाम्पल जीरो सेवन एट तो देखो नॉन जीरो डिजिट के पहले जीरो है सो इट विल नॉट कंसिडर एज अ सिग्निफिकेंट फिगर सो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे यहाँ पे ओनली टू सिग्निफिकेंट फिगर जीरो ज़ीरो टू फाइव अगैन ओनली टू सिग्निफिकेंट फिगर ठीक है जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू पॉइंट है तो भी उसको कंसिडर नहीं करेंगे हम ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर इज प्रेजेंट ठीक है लेकिन वहीं अगर ये होगा 0.502 तो इस जीरो को तो हम कंसीडर नहीं करेंगे बट वी हैव टू कंसीडर दिस जीरो राइट बिकॉज दिस जीरो इज प्रेजेंट बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स सो इट विल कंसीडर एज अ सिग्निफिकेंट फिगर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर राइट जीरो पॉइंट जीरो 2005. अब बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे दिस टू जीरो इज नॉट कंसिडर अंडर दिस सिग्निफिकेंट फिगर बट वी कैन कंसिडर दिस क्योंकि ये दोनों किसके बीच में है नॉन जीरो डिजिट के बीच में है और ये हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा था सो अगेन वन टू थ्री फोर फोर सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर राइट सो दिस इज आर सेकेंड रूल क्या है सेकेंड रूल अगर जीरो ठीक है so अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ प्रेजेंट है सो इट विल नॉट कंसीडर एज अ सिग्निफिकेंट फिगर अगर वहां पे डेसिमल भी है तो भी हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर की तरह कंसीडर नहीं करते हैं क्लियर है आ गया समझ में ये क्या था हमारा ये था हमारा सेकेंड रूल लिखिए इसको फटाफट से फिर थर्ड रूल पे चलेंगे हम यस yes, डन है ओके लेफ्ट हैंड साइड की हमने बात कर ली है ठीक है लेफ्ट हैंड साइड की हमने बात कर ली है अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की सो इफ जीरो इज प्रेजेंट ऑन दी राइट साइड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट अगर जीरो राइट साइड में प्रेजेंट है किसके नॉन जीरो डिजिट के ठीक है और वहां पे डेसिमल अगर प्रेजेंट है ठीक है अगर डेसिमल प्रेजेंट है सो देन इट विल कंसीडर एज अ सिग्निफिकेंट फिगर अगर वहां पे डेसिमल प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा उसको हम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे और अगर डेसिमल प्रेजेंट नहीं है सो विल नॉट कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर समझ में आया सो इफ जीरो इज प्रेजेंट इफ जीरो इज प्रेजेंट राइट साइड if zero is present right side of the non zero digit after decimal then it consider as a सिग्निफिक फिगर ठीक इफ जीरो इज प्रेजेंट राइट साइड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आफ्टर डेसिमल देन इट एज अ सिग्निफिकेंट फिगर क्या करेंगे हम उसको एज अ सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करेंगे फॉर एग्जाम्पल जीरो पॉइंट सिक्स जीरो ग्राम सो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे यहाँ पे इस वाले जीरो को तो हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये किस में है लेफ्ट हैंड साइड में है अभी हमने सेकेंड रूल पढ़ा था ना लेफ्ट हैंड साइड वाले जीरो को हम कंसिडर नहीं करते हैं चाहे वहां पर नहीं हो ओके okay? बट इस जीरो को हमें कंसिडर करना पड़ेगा क्यों क्योंकि ये डेसिमल के बाद का जीरो है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे टू सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे राइट जीरो पॉइंट जीरो फाइव फोर जीरो सेंटीमीटर अब बताओ किस जीरो को कंसीडर करेंगे किस जीरो को कंसीडर नहीं करेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले जीरो को कंसीडर हम कभी नहीं करेंगे ठीक है इनको हम क्या करेंगे छोड़ देंगे लेकिन इनको हमें कंसीडर करना पड़ेगा तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे यहां पे? टोटल थ्री सिग्निफिकेंट फिगर हो गए राइट जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स फोर ट्रिपल जीरो एम एल अब बताइए इसमें क्या होगा इसमें किसको कंसिडर करेंगे किसको कंसिडर नहीं करेंगे तो इन तीनों को हमने कंसिडर नहीं करना है इनको कंसिडर करेंगे हम 64 000, तो टोटल फाइव सिग्निफिकेंट फिगर हो गए ये क्या था हमारा ये था हमारा रूल थर्ड ठीक है ये क्या था हमारा रूल थर्ड था क्लियर है समझ में आया रूल थर्ड को नोट डाउन करिए फिर हम चलेंगे रूल फोर्थ पे ठीक है समझ में आ गया अब देखो इसी में मैंने दो चीजें बताई थी कि इफ जीरो इज प्रेजेंट टू दी राइट साइड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट एंड इफ डेसिमल इज नॉट प्रेजेंट अगर डेसिमल प्रेजेंट नहीं है सो देन इट विल नॉट कंसीडर एज अ सिग्निफिकेंट फिगर राइट चलिए फोर्थ लिखिए If zero is present on the if zero is present on the right side of right side of the non zero digit and and decimal is not present then that zero will not consider as will not significant will not considered as significant figure जैसे कि रुपीज फाइव हंड्रेड है हमारे पास क्या है हमारे पास रुपीज फाइव हंड्रेड है सो so, रुपीज फाइव हंड्रेड में सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ वन होगा क्योंकि यहां पे कोई डेसिमल नहीं है और डेसिमल नहीं है तो राइट हैंड साइड वाली भी जीरो को हम कंसिडर नहीं करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर अंडर रूल फोर ठीक है रूल फोर हमें क्या कहता है कि राइट हैंड साइड में अगर जीरो प्रेजेंट है और डेसिमल प्रेजेंट नहीं है सो इट विल नॉट कंसिडर एज अ सिग्निफिकेंट फिगर आया समझ में रूल फोर समझ में आया अगर यही होगा तो इनको कंसिडर नहीं करेंगे हम बट वी हैव टू कंसिडर दिस तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे फोर हो जाएंगे करिए ये था हमारा रूल फोर अब इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट रूल की जो कि है रूल फाइव ठीक है जो कि क्या है रूल फाइव है अगर हमारे पास कोई एक्यूरेट हम बोल सकते हैं नंबर है ठीक है अगर हमारे पास कोई बिल्कुल एग्जैक्ट चीज है ठीक है जैसे वन एप्पल ठीक है फाइव पेन बिल्कुल एग्जैक्ट अगर कोई चीज है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाता है इनफाइनाइट हो जाता है ठीक है उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाता है इनफाइनाइट हो जाता है इसको करिए नोट डाउन फिर हम लास्ट रूल देखेंगे फिफ्थ रूल क्लियर करिए इसको नोट डाउन फिफ्थ ऑल दी एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट All the exact number have infinite significant figure. ठीक है जितने भी एग्जैक्ट नंबर होते हैं उनका क्या होता है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर होता है जैसे कि 60 एप्पल तो 60 एप्पल एक फिक्स नंबर है यहां पे क्या हो जाएगा इनफाइनाइट ठीक है टू पेन तो टू पेन का कितना हो जाएगा यहां पे इनफाइनाइट हो जाएगा क्लियर है, है तो ये क्या था हमारा ये था हमारा फिफ्थ रूल अब ऐसे ही क्वेश्चन uh, की हमको प्रैक्टिस करनी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं कितने नहीं हैं। तो पहले आप ये पांचों के पांच रूल पढ़कर आएंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस इस पर डिस्कस करेंगे एंड देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा राउंड ऑफ ठीक है नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है राउंड ऑफ छोटा सा टॉपिक है ठीक है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे तो आज की क्लास के लिए इतना सफिशियंट था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आज डिस्कस किया है जो कि क्या है एक तो हमने साइंटिफिक नोटेशन देखा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नोटेशन से क्वेश्चन आएगा पेपर में एंड सिग्निफिकेंट फिगर से भी क्वेश्चन आएगा और सिग्निफिकेंट फिगर के पांचों के पांचों रूल बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन है बुक में भी इसके तो हम बुक के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे राइट right? एंड खुद से भी हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे लेकिन इन नेक्स्ट क्लास तो जब तक जो भी डाउट होगा आप एक बार पूरा वीडियो को देखिएगा जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने की अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे ओके स्टूडेंट्स सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच